आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र के YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि अभी चल रहा है, आप सब लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन। देखो, जितने भी आप टीचिंग के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले साथी हैं, उन सब लोगों को केवल एक चीज की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, और वो है आपकी कंटेंट की, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, रिविजन करने के लिए मास्टर बुक की, सीडीपी की किताब की, स्पेशल एजुकेशन की किताब की, ईवीएस की किताब की, आपके सीटेट पेपर टू की किताब की। तो ये सारी की सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए अध्ययन मंत्र लेके आया बुक फेयर। और ये इसलिए बुक फेयर है क्योंकि आप लोगों के लिए 5 दिनों का एक बेहतरीन सा ऑफर रखा गया है कि सारी किताबों के ऊपर 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, 50% का। और इसको तीनों मोड में ले सकते हैं, ऑनलाइन अमेज़न पे आप ले सकते हैं, ऑफलाइन आप ले सकते हैं यहाँ पे सेंटर पे आकर के, और टेलीग्राम पे भी लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, और किसी भी किताब के ऊपर 50%। तो आज देखो 19 तारीख है, कल अंतिम दिन है, तो आप लेट ना करो क्योंकि किताब तो लेना ही है, तो आप भी लीजिए। और अपने सारे, चाहे आप सीटेट की तैयारी, स्टेट की तैयारी, टेट की तैयारी, आप चाहे स्पेशल एजुकेटर हैं, चाहे सीडीपी की तैयारी, सीडीपी की बेहतरीन आपके करना चाहते हैं, स्टेट केवीएस की किताब लेना चाहते हैं, किसी भी चीज की किताब, DSSB की किताब लेना चाहते हैं, तो आप लीजिए और 50% का डिस्काउंट पाइए। पहला क्वेश्चन है आपके बीच में, हैंगियोग्राफी किससे संबंधित है। भाई क्वेश्चन ये है आपका कि हैंगियोग्राफी किससे संबंधित है, ये पहला क्वेश्चन है। ये सीटेट आपके 22 फरवरी 2015 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हैंगियोग्राफी के बारे में बात करें तो ये भी एक तरीके का क्या भी स्टडी है, लेकिन इससे हम किस चीज का स्टडी करते हैं, तो अगर इसके बारे में सवाल पूछा जाए तो हम करते हैं अलग अलग जो आपके संत होते हैं, तो संतों की जीवनी को, संतों की जीवनी को हम लोग क्या करते हैं, इस पे स्टडी करते हैं। संतों की जीवनी का लेखन से संबंधित है हैंगियोग्राफी। भाई आगे देखिए, विनय पिटक ग्रंथ। अब देखिए, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि जब भी हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानना है, जब भी हमें बुद्धिस्ट के बारे में जानना है, बुद्ध रिलीजन के बारे में हमें जानना है, तो हम बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए किसके ऊपर आधारित होते हैं, तो हम त्रिपिटक, त्रिपिटक पाली भाषा में लिखी बौद्ध धर्म के ऊपर किताबें हैं, जिसमें सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक का नाम आता है। उसमें अगर हम विनय पिटक के बारे में बात करें तो विनय पिटक में नियमों के बारे में बात किया गया है, नियमों के बारे में बात किया गया है, तो बौद्ध संघ के नियमों की जानकारी आपको विनय पिटक में मिलती है। सुत पिटक में आपको सिद्धांत की जानकारी मिलती है, और जो अभिधम पिटक है उसमें आपको मिलती है बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के उपदेश और उनके धार्मिक चीजों के बारे में पता चलती है। अभी देखिए 20 सितंबर 2015 को हर्षचरित नामक की जो किताब है उससे रिलेटेड ये सवाल आपके पूछा गया है। देखिए, अलग अलग समय में अलग अलग शासकों के बारे में जानकारी देने के लिए अलग अलग लेखनों, अलग अलग लेखकों ने अपनी बातों को लिखी है। आपने बोला कि ठीक है सर, जिस एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जानना चाहते हैं मौर्य वंश के बारे में, मौर्यों के बारे में जानना चाहती है, तो हमारे पास क्या क्या आधार होगा। हमारे पास होगा चंद्रगुप्त मौर्य की अर्थशास्त्र, हमारे पास होगा मेगास्थनीज की इंडिका, हमारे पास क्या होगा भाई, तो हमारे पास होगा विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, ये किताब होंगी। उसी तरीके से अगर आप गुप्तों के बारे में जानना चाहते हैं तो समुद्रगुप्त के बारे में जानने के लिए हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति होगा। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कालिदास, वराहमिहिर से लेकर के अमर सिंह से लेकर के आर्यभट्ट से लेकर के इन सबको देख सकते हैं। उसी तरीके से स्कंद गुप्त के बारे में जानने के लिए भीतर यह अभिलेख है। जब हम हर्षवर्धन के बारे में जानना चाहते हैं तो वेनसांग है, उसकी सीयू की रचना है, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा लिखित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानने के लिए हम और क्या, तो चीनी यात्री फाययान के भी यात्रा विवरण का सहारा हम ले सकते हैं। तो सवाल यही तो पूछा है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित कौन सी लैंग्वेज में आपके लिखा है भी? कौन सी लैंग्वेज में लिखा है अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो। राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित है, लिखा किसने है, तो लिखा किसने भाई, तो बाण भट्ट ने, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, तो लैंग्वेज कौन सा है, तो लैंग्वेज है आपकी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल बोल रहा है कि कहां कहां पे आपको प्राचीन शैल चित्रकला देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपके 21 सितंबर 2014 को पूछा गया। रॉक पेंटिंग के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा गया है
कि रॉक पेंटिंग आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, सेल चित्रकला आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। तो रॉक पेंटिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, तो रॉक पेंटिंग देखने के लिए आपको मध्य प्रदेश में जाना पड़ेगा, और मध्य प्रदेश में भी स्पेसिफिक अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश में स्पेसिफिक आपको भीमबेटका में जाना पड़ेगा, भीमबेटका में जाना पड़ेगा। तो देखो ये क्लास सीटेट की है, लेकिन ये फायदेमंद सारे के सारे एग्जाम के भारत की, क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि ये एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर का पूरे तरीके से निचोड़ है। तो आप किसी भी टीचिंग के एग्जाम की तैयारी करते हैं और इसमें एक बार आप लगा लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो फिर आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके पेपर में जो सवाल भी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एनसीईआरटी के बेस्ड है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि क्लास एक बार 20-25 दिन लगातार सारी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे आपके ले ले, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? कर्नाटक तमिलनाडु में? बिल्कुल नहीं। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथ साहित्य का संबंध किससे है भाई? नाथ साहित्य के बारे में बात करें तो नाथ लिटरेचर का जो संबंध है वो किससे है भाई? बंगाली से है भाई। यह सवाल देखिए, कॉमन ईरा क्या है? 29 जनवरी 2012 को यह सवाल पूछा गया था, कॉमन ईरा क्या है? आप सब लोगों को पता है जब हम डेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो पहले डेटिंग सिस्टम के लिए आधार के रूप में जीसस क्राइस्ट को बनाया गया, और जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर के आगे तक के सारे समय को हम किस में लिखते हैं? एडी, एनो डोमिनी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ईस्वी। अब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की बातों को हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसमें आपके करते हैं? बीसी में। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। लेकिन समय बदला, धीरे 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 इसको चेंज कर दिया गया, और चेंज करने के बाद अब हम एडी के जगह पे सीई शब्द का यूज करते हैं, और बीसी के जगह पे हम बीसीई शब्द का यूज करते हैं, और जेसी के जगह पे सीई। सीई का मतलब क्या हो गया? कॉमन एरा। तो ये जो कॉमन एरा है वो क्या है भाई? भारतीय एरा है भाई। हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा है। क्रिश्चियन एरा है? नहीं। तो किसी भी हिस्टोरिकल, देखो जब जीसस क्राइस्ट को हमने आधार बनाया था, जब हम जीसस क्राइस्ट को हमने आधार बनाया था, जब जीसस क्राइस्ट को हमने आधार बनाया था, तो हम सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है उसमें क्या था कॉन्सेप्ट। उसमें क्या था कि भाई क्रिश्चियनिटी का प्रसार हो रहा है। अब कॉमन एरा ने इसलिए बनाया कि भाई ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन कर सके, उसके लिए ये नया एरा है। क्रिश्चियन एरा जो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में, तो नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपके सी हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थल क्या है? अगर हम हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बात करें तो आप हिस्टोरिकल प्लेस से क्या मतलब समझते हैं? अगर ऐतिहासिक स्थल की बात किया जाए तो ऐतिहासिक स्थल क्या होता है? अब मैंने पिछले क्लास में आपको इसी से मिलता जुलता 29 जनवरी 2012 को यह सवाल पूछा गया है, इसी से मिलता जुलता एक मैंने शब्द आपको पढ़ाया था, और उसको मैंने क्या बोला था? पूरा स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट, जो आपके जमीन के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, समुद्र और आपकी नदियों के तलों में भी पाया जा सकता है। तो ऐतिहासिक स्थल क्या होता है? तो इतिहासकार इतिहास लिखते, ये कौन सी बात है? इतिहास प्रिय लोग जहां पे जुटते हैं, ये कौन सी बात है? उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, ये कौन सी बात है? तो जहां पे भी हमारे अतीत के जो स्मृति हैं, जो यादें हैं, वो आपकी शेष रह जाती हैं, वो आपकी रिमेंस रह जाती हैं, और जहां पे भी ये चीजें आपको मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल प्लेस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। तो जब भी ऐतिहासिक स्थल के बारे में आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि जहां से हमें कुछ इतिहास के बारे में जानने को मिले, वो प्लेस, वो सारे प्लेस जहां से हमें कुछ अपनी हिस्ट्री को जानने के बारे में मिले, हिस्ट्री को जानने के बारे में मिले, वो सब हमारे लिए हिस्टोरिकल प्लेस है, वो सब हमारे लिए ऐतिहासिक स्थल है। एक बार जितने भी हमारे प्यारे साथी जो इस क्लास को बहुत पसंद करते हैं, जो इस कंटेंट को बहुत पसंद करते हैं, जो इस सेशन का इंतजार करते हैं, जिनको लगता है कि क्लास रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, एक बार सभी लोग अपने अपने फोन को चेक करके एक बार इस सेशन को लाइक करके गुरु दक्षिणा दे दीजिए।
और सब लोग अपने दोस्तों तक इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सबको हिस्ट्री में एक इंटरेस्ट आए, सबके मन से डर खत्म हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। अब देखो, मैंने कल के भी क्लास में इस बात को डिस्कशन किया था कि आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। अब समस्या यही तो हो जाती है, समस्या यही तो हो जाती है कि आपने पिछला रिकॉर्ड रखा नहीं है, आपने पिछला रिकॉर्ड रखा नहीं है और हमें आपके बारे में जानना है, हमें आपके बारे में जानना है भाई। आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई, तो जानना है हमें और रिकॉर्ड इनके पास है नहीं। अब यहां पे आपसे सवाल पूछ रहे, कथन कारण सब चीज आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो भी चीजें जब पूछी गई है एक एक आएगा 2023 तक, सबकी बारी आएगी। इंतजार कीजिए, सीखते जाइए, सब कुछ सीखते जाइए। तो पिछला रिकॉर्ड नहीं रखते, अगर मान लो कि वर्तमान के इतिहासकार हैं और उनको आदिवासियों का इतिहास जानना है, तो वो आदिवासियों का इतिहास कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे? क्या प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, क्या आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके? अरे भाई, पौराणिक कथा कैसे आप पता लगाओगे, वो भी लिखा हुआ होना चाहिए ना। पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके तो एक ही परंपरा बच जाती है, जिसको क्या बोलते, मौखिक परंपरा। यानी जो आप सुनते आए हो उन्होंने बताया आपको, आपने किसी और को बताया, उन्होंने किसी और को बताया, उन्होंने किसी और को बताया, उन्होंने किसी और को बताया। तो इस तरीके से हम ट्राइबल के बारे में चीजों को जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आप ओडिशा में जाइए, आप झारखंड में जाइए, आप मध्य प्रदेश में जाइए, वहां के आदिवासियों से आप मिलिए, वो अपने इतिहास को इस तरीके से बताएंगे कि आप एकदम शॉक रह जाएंगे कि सही में क्या ऐसा होता था। आप पूछोगे कि दादाजी इसका कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है इसका, जहां से हम इसके बारे में जान सकते हैं? तो बोलते कि नहीं, हमारे पास कुछ लिखित नहीं है, हम सदियों से वाचिक परंपरा के माध्यम से ओरली चीजों को सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और वही चीज हम आपको भी सुना रहे हैं, और वही इनके इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण आपका क्या भी स्रोत है। 29 जनवरी 2012 को यह सवाल पूछा गया, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में। मैंने इसके पहले इतिहास को अलग अलग तरीके से डिवीजन किया, हिंदू हिस्ट्री में, मुस्लिम हिस्ट्री में, और आपके अंग्रेजों के इतिहास में, क्रिश्चियन हिस्ट्री में। अंग्रेजों ने उसके पीछे अपने कारण बताए, लेकिन हमने बताया कि इस प्रकार के इतिहास के विभाजन में किस प्रकार की समस्या है, क्योंकि अंग्रेजों ने उस इतिहास को जो लिखा उसमें शासक के धर्म को उसने आधार बनाया, और उसके आधार पर आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, उन्होंने ये इतिहास आपको बताने की कोशिश करी। अब हम अपनी हिस्ट्री को क्या करते, एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या कर लेते हैं भाई, आपके विभाजित कर लेते हैं। सवाल ये बोल रहा है कि इसको विभाजित करने में समस्याएं भी है, जैसे वहां पे समस्या आ रही थी कि जरूरी नहीं कि किसी काल विशेष में केवल एक ही धर्म विशेष का कोई शासक हो। दिस इज नॉट मैंडेटरी, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि किसी क्षेत्र में किसी और धर्म का शासक, किसी क्षेत्र में किसी और धर्म का शासक हो। तो निम्नलिखित में से वो समस्या कौन सी है, ये जो बताता है कि भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त करें, ये भी कोई समस्या नहीं है। यह संकल्पना कहां से ली गई, पश्चिम से ली गई है, जहां पे आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, रीजनिंग, डेमोक्रेसी, आपके लिबर्टी और आपकी इक्वालिटी से संबंधित है। लेकिन भारत में उस समय ना डेमोक्रेसी है, ना आपकी लिबर्टी है, और ना ही इक्वालिटी है। तो समस्या यह है कि आपने किस आधार पर बांट दिया, जो आधार आपने बांटा वो आधार तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, वो आधार तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या है, सी सही है। अभी बोले कि भारतीय इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में अंतर के स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती, ठीक है, यह समस्या नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने बाइफर्केट करने के लिए ये एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न आपके बनाया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया 26 जून 2011 को।
19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तीन कालों में बांट दिया। आ गया ना भाई क्वेश्चन, सुनिए, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और आपके ब्रिटिश भारत, तीन तरीके से आपके इंडिया को डिवाइड कर दिया ब्रिटिश हिस्टोरियन ने, हिंदू इंडिया, फिर उसके बाद मुस्लिम भारत, फिर उसके बाद आपके ब्रिटिश भारत, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब बोल रहा है कि जो विभाजन हुआ है, ये जो विभाजन अंग्रेजों के द्वारा किया गया उसके पीछे कारण क्या है। इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया, कहां लिखा गया, इंग्लैंड के इतिहास में हिंदू कहां से आएगा, कैसी बात करते हैं भाई। ब्रिटिश लोग समझते थे कि इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे, इसलिए यह भी गलत है। याद करने में सुविधाजनक है, क्यों मजाक बना रहे हो यार, इतिहास कहां याद करने में सुविधाजनक और सरल लगता है, कैसा लगता है, बुरा लगता है ना, लेकिन इसके बिना पेपर भी नहीं हो सकता है, नहीं पढ़ोगे तो अगले साल पढ़ना पड़ेगा, उस साल भी नहीं पढ़ोगे तो उसके अगले साल भी पढ़ना पड़ेगा, कभी ना कभी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो आपके पेपर में सिलेक्शन ही नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इतिहास के दिखेंगे, इतिहास के सवाल से ही आपका पेपर शुरू होगा, इतिहास के सवाल से ही पेपर आपके खत्म होगा, जहां पे हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अगर नहीं करेंगे तो फिर तो करना पड़ेगा, आज करो तो आज करो, चाहे कल करो चाहे परसों करो, इसीलिए समय रहते कर लीजिए कि कल कुछ और किया जाए। जब सीटेट पेपर 2 पास करोगे तभी तो DSSS भी अप्लाई कर पाओगे, BPSC अप्लाई कर पाओगे, KVS अप्लाई कर पाओगे, इसीलिए कल के ऊपर नहीं सोचना है, आज पूरा करना है, इस बार पूरा करना है। इसीलिए मैं आप लोगों को एग्जैक्टली सीटेट करा रहा हूं, NCERT करा रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ हमें कौन से लेवल को हमें मेंटेन करना है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन जितने पेपर में जाने से पहले गलत हो जाए, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, जितनी जितनी गलती करनी है वो सब ट्रेनिंग में कर लीजिए। युद्ध के मैदान में जब आप जाएंगे तो जो जो ट्रेनिंग में आपने सीखा है उसको यूज करना है, अपने आप को बचाने और दुश्मनों के ऊपर हावी होने में। बात समझ रहे हैं आप सब लोग। तो ये सवाल देखिए, तो बोल रहा है कि ये जो विभाजन है हिंदू हिस्ट्री का, मुस्लिम हिस्ट्री का, ब्रिटिश हिस्ट्री का, ये इस विचार पर आधारित है कि जो शासक हैं उन शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, और इसीलिए इन्होंने इस तरीके से आपको क्या क्या डिवाइड किया है। मौखिक इतिहास को लिखने के लिए कौन सी स्रोत सामग्री आपकी नहीं है, 26 जून 2011 को यह सवाल पूछा गया है। तो अगर मौखिक इतिहास को अगर आप लिखना चाहते हैं तो सवाल ये बोल रहा है कि मौखिक इतिहास को लिखने के लिए कौन सी वो आपकी स्रोत सामग्री नहीं है। जैसे मान लो कि अगर हम मौखिक इतिहास लिखना चाहते हैं, मौखिक इतिहास अगर हम लिखना चाहते हैं, ओरल हिस्ट्री लिखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी के द्वारा सुना है और आप उसको लिख रहे हैं, किसी के द्वारा आपने सुना है और उसको आप लिख रहे हैं। तो जैसे मान लो कि किसी आपके सैन्य विद्रोह के बारे में लिखना है, सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन, सही बात, हम लिख सकते हैं, वो ब्रिटिश सैनिक उस सैन्य विद्रोह को देखा है, वो जो बात बताएगा उसको आपके मौखिक इतिहास का आधार बनाया जा सकता है। फिर दूसरा, उस व्यक्ति की जो आपकी स्मृति मेमोरी जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था, इसको भी लिख सकते हैं, यह भी मौखिक इतिहास का, उसने अपनी आंखों से देखा होगा ना भाई कि कैसे गदर फिल्म बन रहा है, कैसे अमीषा पटेल सनी देओल से बिछड़ रही है और उसके बाद सनी देओल गाना गा रहे ऊर्जा काला कौआ है। ये तीसरा बोल रहा है कि उन व्यक्तियों की घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। अगर आप क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में ओरल हिस्ट्री लिख रहे हैं तो उस समय पार्टिसिपेट करने वाले लोग ही आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, ये कौन सी स्रोत सामग्री है भाई, इसका मतलब कि ये आपके नहीं होगा। 26 जून 2011 को सवाल पूछा गया, कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में आपके सही नहीं है। प्राचीन
चीन हस्तलिपि के संदर्भ में आपकी सही नहीं है। हस्तलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहा है, हस्तलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट की ये बात कर रहा है, हस्तलिपि मैन्युस्क्रिप्ट की ये बात कर रहा है जो हैंड रिटन होता था। तो क्या इसको लिखने के लिए कोई पेपर होता था? नहीं। तो किसके ऊपर लिखा जाता था? किसके ऊपर लिखा जाता था? तो क्या हस्तलिपि को पत्थर या धातु पे लिख सकते हैं? अरे भाई हाथों से कैसे लिख सकते हैं पत्थर के ऊपर, दीवालों के ऊपर? तो ये सवाल बोल रहे कि कुछ हस्तलिपि पत्थर या धातु पर लिखी गई है। अरे भाई पत्थर या धातु पर लिख दी जाएगी तो वो फिर हस्तलिपि ना हो करके, वो मैन्युस्क्रिप्ट ना हो करके, वो मैन्युस्क्रिप्ट ना हो करके क्या हो जाएगा? तो मैन्युस्क्रिप्ट ना हो करके इंस्क्रिप्शन हो जाएगा। ये भी आपका सही नहीं है। वे जिस काल को प्रदर्शित करते उस काल के लिए मुख्य स्रोत है, ये भी सही बात है। तार पत्र के ऊपर लिखी गई थी, ये भी सही बात है। अब एक सवाल बोले कि पहले हाथों से लिखी गई फिर उसके बाद में मुद्रित की गई थी, यानी दोनों के दोनों गलत है, दोनों के दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अब यहां पे एक जो है कि पत्थर या धातु के ऊपर, तो अगर इसमें से दोनों में से स्ट्रॉन्ग गलत कौन सा है अगर वो पूछा जाए तो क्या करोगे भाई? तो धातु यानी हस्तलिपि को कॉपर प्लेट पे लिखा गया है, गोल्ड प्लेट पे लिखा गया है, तो ये दोनों के दोनों गलत है। तो इसमें सबसे मजबूत गलत के बारे में बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो यह हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। कहां पर मुद्रित की गई थी भाई? कहां पर मुद्रित की गई थी? ये जैसे है वैसे ही है, इसको हमने सुरक्षित रखा है, इस मैन्युस्क्रिप्ट को हमने सुरक्षित करके रखा है, अभिलेखागार में हम इसको सुरक्षित करके रखते हैं। तो इस तरीके से सवाल क्या पूछ रहा है भाई? तो बोले कि संदर्भ में सही नहीं है, कौन सा जो आपके कथन है वो आपके उसमें संदर्भ में सही नहीं है। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो ये दोनों गलत है, लेकिन इसमें जो एक पार्ट देखोगे कि पत्थर के ऊपर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूसरा पार्ट देखोगे धातु के ऊपर, तो भाई कॉपर प्लेट के ऊपर, ताम्र पत्र के ऊपर लिखा गया है, गोल्ड आपके जो प्लेट से उसके ऊपर लिखा गया है, तो ये तो सही है ना। ये कैसे लिखी थी? हाथों से लिखी गई थी, सही बात है। बाद में उसकी प्रिंटिंग करेगी, कैसे प्रिंट करेगी भाई? बाद में वो जिस समय में लिखी गई उस समय के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो जो दोनों में से ज्यादा गलत है वो कौन सा है? सी है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपके ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ये वाला सही है, ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में आपके गलत है? सवाल देखिए, जहां पे भी ऐसा स्टेटमेंट आपसे पूछ दे कि कौन सा प्रशस्ति के बारे में गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जब इक्वेशन आपसे पूछ दे तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, सोचना है, समझना है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने सवाल को पूरा पढ़ने की आदत डाल ली तो इसका मतलब है कि 70% तय हो गया कि आपका सवाल सही होगा भाई। चंडीगढ़ का पीआरटी का करंट अफेयर एप्लीकेशन पे चल रहा है, डोंट वरी। बात समझ गए आप सब लोग? तो सवाल को पूरा पढ़ना सवाल को बनाने के लिए सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? सवाल क्या पूछे? गलत है। अब सवाल देखिए, राजा की प्रशंसा करने और उसका प्रोटेक्शन पाने के उद्देश्य से कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई कवि, विद्वान के द्वारा आपकी लिखी जाती थी, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है, ये सही है। जैसे मान लीजिए कि आप सब लोगों से हमें इस सेशन को लाइक करवाना है तो मैं क्या कहूंगा? आप कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, आप लोग ये कर दो, वो कर दो, लेकिन हमें पता है कि आप नहीं करोगे तो फिर मैं क्या ही बोलूं? जब मान लो कि आप लोगों को नहीं लगेगा हिस्ट्री की क्लास इंपॉर्टेंट, तो हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, नहीं होगा ना, क्यों समय बर्बाद करना है, ना आपका ना हमारा। अगर आपको अच्छा लगता है तो पता भी तो लगना चाहिए, अगर आप जीवित हो तो जीवित नजर आना जरूरी है, एक बार सेशन को शेयर करना जरूरी है और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके गुरु दक्षिणा देना जरूरी है, ताकि दुनिया में लोग कहे कि गुरु ठीक पढ़ाता है। कैसे पता चलेगा? मैं कितना भी अच्छा पढ़ाता हूं दुनिया को कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ा आधार क्या है? कितने लाइक है, कितने सब्सक्राइब है और कितने व्यूज है, वो कौन करेगा? आप करोगे ना, और आपका ये रिवार्ड हमें सस्टेन कराएगा, लेकिन आप करोगे नहीं,
एक बार सब लोग सेशन को शेयर करिए और प्यार दीजिए अपना। अभी देखो राजा की प्रशंसा करने के लिए, जैसे मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, क्यों? कि भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि नौकरी बची रहे। आपने बोले कि ठीक है, तो ये राजा की प्रशंसा करने के लिए कौन? उसका संरक्षण पाने के उद्देश्य से कोई कवि, जैसे समुद्रगुप्त की प्रशंसा में, जैसे समुद्रगुप्त की प्रशंसा में हरिसेन ने, जैसे पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा में रवि कीर्ति ने। आप सब लोगों को ध्यान रखना है। अब राजा इसे खुद लिखा करता है, भाई अपनी प्रशंसा कौन अपने से करता है? मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मैं अपने से ये बात कहूं, ये कितनी बुरी बात है जब हमको ये बात कहनी पड़े। आप कहोगे तब तो पता चलेगा कि भाई मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मैं अच्छा बताता हूं, अच्छा सीखता हूं, सिखाता हूं। तो राजा इन्हें खुद लिखा करते थे, ये तो गलत बात है ना। तो सवाल क्या पूछ रहा, कौन सा गलत है भाई? अपनी प्रशंसा कोई कैसे कर सकता है? जो करे अपनी प्रशंसा अपने से, तो उसको तो सैल्यूट मारो, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। अब वो सेट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। 31 जनवरी 2021 को सवाल पूछा गया और ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऑर्डर में अरेंज करना है, प्रारंभिक काल से आपको शुरू करना है। तो देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, हिस्ट्री में अगर आपको सारी कहानी पता है आपको, तो फिर कोई भी डेट, कोई भी ईयर, कोई भी कुछ भी आपको फैक्ट याद नहीं करना पड़ता है, ना करना पड़ेगा। अब सुनिए क्या हुआ भाई। सबसे पहले आप देखो लिथिकेज, देख रहे हो ना लिथिकेज। देखिए जब जब मैं लिथिक एज बताता हूं तो मैं कहता हूं कि इस लिथिक एज से इस मेगालिथिक को मत कनेक्ट करना, इस मेगालिथिक को मत कनेक्ट करना, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों अलग अलग है। मेगालिथिक यहां से लोहा मिला है और यहां से आपको पत्थर मिले हैं, तो कैसे हो सकता है दोनों से अलग अलग है? अब लिथिक एज के बाद क्या होता है भाई, लिथिक एज के बाद आपको क्या दिखाई देगा? तो लिथिक एज के बाद आपको दिखाई देगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपको वैदिक पीरियड दिखाई देगा। यानी सबसे पहले इनमें से जो आपको समय दिखाई देगा उसमें क्या आना चाहिए भाई, सबसे पहले ए आना चाहिए। आपने बोला कि ठीक है सर ए आना चाहिए, उसके बाद अब क्या आना चाहिए भाई, ए। अब आयरन एज, महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, यानी पत्थर, कब्र के चारों तरफ पत्थर की बड़े बड़े आपके पिलर बनाए जाने लगे, और इसी दौरान आपको क्या दिखाई देगा, महापाषाण में ही महाराष्ट्र के इनाम गांव में आपके फार्मर्स लोग रहने लगे। और फिर उसके बाद कनिष्क के समय में, बहुत बाद में 78 AD के आसपास, 78 AD के आसपास आपको क्या दिखाई देगा, तो कनिष्क के दरबार में एक बड़े विद्वान जिनका नाम क्या भी चरक, वो आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये सही आंसर ABCD हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ABCD। तो ये 31 जनवरी 2021 को सवाल पूछे गए थे। अभी उल्टा क्रम में आपको सजाना है, सीधा क्रम में पहले सजा लीजिए और उसके बाद इसको क्या कर दीजिए, उलट दीजिए। तो पहले आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले देखो यहां पे लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आज सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग, यानी बी के बाद क्या होगा, ए होगा। बी के बाद क्या होगा, ए होगा। आपने बोला कि सर ये भी सही बात है, अगर हम इसके करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो बी के बाद ए होगा, ए के बाद डी होगा और डी के बाद आपके सी होगा। ये क्या हो गया, बढ़ते क्रम में। यानी सबसे पहले आप देखते हैं उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत हुई, उसके बाद लोहे का प्रयोग में बढ़ोतरी हुआ, संगम साहित्य की रचना की बात, ये किस समय की बात कर रहा है, ये आरंभिक समय के चोल, चेर, पांड्य, जब तीन आपके अलग अलग राजवंशों को हम देखते हैं उस समय की हम बात कर रहे हैं, यानी डी होगा। और फिर जब आपके संगम साहित्य आया
तब हमें पता चला कि अरिकामेडु नामक एक बंदरगाह था जहां पे लोगों ने बसना शुरू कर दिया, जहां पे लोगों ने बसना शुरू कर दिया। अब इसको उल्टा कर दीजिए, सी के बाद डी के बाद ए के बाद डी बी, तो सी डी ए बी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके ए हो जाएगा। तो पहले सीधा पता लगा लो और उसके बाद उल्टा कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पूछे गए थे 31 जनवरी 2021 को, तो आपके पेपर में ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, आपके पेपर में ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो उल्टा पूछे तो कोई बात नहीं, पहले सीधा कर लो और फिर उसके बाद पलट दो, जज्बात ही तो है, पलट जाते हैं। बात समझ के, कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के केस स्टडी में निम्नलिखित में से, तो ये आपके शिक्षण का सवाल है, टीचिंग का, इसको हम छोड़ देते हैं। 22 फरवरी 2015 को पूछा गया था। अभी सवाल देखिए, ये 20 सितंबर 2015 को सवाल पूछा गया था। बोले कि जैसे आप लाल किला दिखाने ले जाते हो, जैसे आप ताजमहल दिखाने लेके जाते हो, कोई मंदिर दिखाने के लेके कर जाते हो, यानी कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट अगर आप दिखाते हैं, तब आप विद्यार्थियों को किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, किस प्रकार से, किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से उनको सीखने के आप प्रोत्साहित करते हैं। तो जब डायरेक्टली आप ले जा रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उनको लाल किला के बारे में बता रहे हैं, तो डायरेक्टली आप उनको लाल किला विजिट कराने के लिए लेके जा रहे हैं और लाल किला दिखा रहे हैं, उनके बारे में चीजों को समझा रहे हैं, उनके बारे में चीजों को बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप प्राइमरी सोर्स का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि प्राथमिक स्रोत का प्रयोग कर रहे हैं, प्राइमरी सोर्स का यूज करेंगे, डायरेक्टली आप लेके जा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं और उनसे आपकी बातों को सिखा रहे हैं। तो दिस इज द प्राइमरी सोर्स। ये क्या है, तो ये सारे के सारे अगर हम सोर्स के बारे में बात करें, तो ये जो आपको सोर्स दिखाई देता है ये प्राइमरी सोर्स है। आपने बोला कि सही बात है सर, ये प्राइमरी सोर्स है। अगला देखिए क्वेश्चन, अब ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। बोले कि आपको श्रीरंगपट्टनम में जो टीपू की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की, उसके युद्ध के बारे में, टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार जो है वो किसका है, ब्रिटेन का है, और दूसरा जो अखबार है मैसूर का है, और दोनों आपके दोनों अखबारों ने इसके लिए घटनाओं की एक एक सुर्खी लिखी, और कक्षा 8 के इतिहास में पाठ्यपुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल किया गया है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या दिखाई देता है, देखो विचार है, विचार है। ब्रिटेन के अखबार ने अपने विचार से उस खबर को लिखा, भारत में मैसूर के अखबार ने अपने विचार से उस खबर को लिखा। इन दोनों के विचार में क्या दिखाई देती है भाई, डाइवर्सिटी। इन दोनों के विचार में क्या दिखाई देती है, तो विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना आपको दिखाई देता है। 20 सितंबर 2015 को यह सवाल पूछा गया है। सवाल ये पूछ रहा है कि जो समय रेखा हम यूज करते हैं, जो हम डेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, जैसे हम बताने के लिए इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, हम कब सबसे ज्यादा यूज करते हैं किसी शासक की उपलब्धि। अरे एक बात बताओ कि किसी शासक की उपलब्धि बताना है, और जब हम इस समझ गए कि ये शासक के बारे में बात करें, तो उसमें क्यों टाइमलाइन बताना है भाई। अब अशोक के बारे में बताएंगे तो हम कहेंगे ना कि अशोक धर्मपरायण शासक था, अशोक सारे धर्मों को एक साथ लेकर के चलता था, अशोक कट्टर नहीं था, हम बात करेंगे कि नहीं करेंगे। अशोक सहिष्णु था, टॉलरेंट था, हम बात करेंगे कि नहीं करेंगे। अशोक शांति में विश्वास करता था, अहिंसा में विश्वास करता था, धर्म का कॉन्सेप्ट दिया था, बात करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके लिए क्यों टाइम की बात है भाई, दो राजवंशों की तुलना, दो राजवंशों की कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मौर्य की और गुप्त की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं मौर्य ही गुप्त है, दोनों अलग अलग है, तो उसमें उतना ज्यादा टाइमलाइन का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। प्राचीन भारत के शिक्षण में अगर किसी राजवंश का सारांश आप प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे मान लो कि जैसे मुगल वंश के बारे में आप बता रहे हैं, जब मुगल डिनेस्टी के बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे, सबसे पहले बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, फिर आप जहांगीर, शाहजहां
औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे और अंतिम बहादुर शाह जफर। तो किसी राजवंश की अगर सारांश को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका सिनोप्सिस बता रहे हैं, तो उस संदर्भ में सबसे अच्छा होगा कि आप समय रेखा को यूज कर ले, टाइमलाइन को यूज कर ले और आराम से बता दे। तो कहीं पे भी जब आप उठाएंगे, अगर किसी राजवंश के बारे में बताया गया है तो उसमें इसी तरीके से टाइमलाइन को यूज करके ये 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 करके ऐसे ऐसे दे करके आपको सिखा दिया गया, बता दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक शिक्षक, ये आपके उससे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, तो ये आप लोग देख लेंगे। हड़प्पा की सभ्यता के लोग क्या क्या बनाते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या बनाते थे। 31 जनवरी 2021 को ये सवाल आपके पूछे गए थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आपके लोग हैं वो क्या बनाते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आपके क्या बनाते थे। आपने बोला कि सर ठीक है हम इसको आराम से बता सकते हैं, हमने बोला जी बताइए। लोहे से बनी तकलियां, अरे भाई लोहा जब मिला नहीं है तो आप लोहे से तकली चाहे पकली कैसे बना सकते हो भाई, कुछ भी तभी बना सकते हो ना जब मिला है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या मिला है, ब्रॉन्ज मिला है। और ब्रॉन्ज भी कैसे मिला है, तो ब्रॉन्ज भी कैसे मिला है, तो ब्रॉन्ज कॉपर में हमने टीन मिला दिया है और कॉपर में टीन मिला करके तब जाकर के हमने क्या हासिल किया है, ब्रॉन्ज को हासिल किया है, तब जाकर के हमने कांस्य को हासिल किया है। इस तरीके से कांस्य मिला है ना, इसीलिए तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं भाई, कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज इस पीरियड कहते हैं। ये तो नहीं मिला, पत्थर की मुहरें मिली हैं और किससे बनाई जाती थी, तो सेल खड़ी स्टोन से बनाई जाती थी, सेल खड़ी जो कि बहुत ही मुलायम आपके पत्थर होता था उससे बनाई जाती थी। सोने से बने बर्तन, सोने से बने बर्तन चलो मान लेते हैं इसको, यानी सी तो कहीं पे होगा नहीं, तो सी यहां पे दिखाई दे रहा है, सी यहां पे दिखाई दे रहा है, सी यहां पे दिखाई दे रहा है, ये तो अपने आप कह रहा है कि आप हमको मार दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बर्तन के बारे में बात करते हैं तो कैसा बर्तन मिला है भाई, तो बर्तन कैसा है, तो बर्तन रेड है, लाल है, और उसके ऊपर डिजाइन कैसा है, तो ब्लैक कलर का डिजाइन है। तो लाल रंग के बर्तन के ऊपर, लाल रंग के बर्तन के ऊपर काले रंग का डिजाइन किया हुआ है, लाल रंग के बर्तन के ऊपर काले रंग का डिजाइन किया हुआ है, पीले रंग से नहीं। पत्थर की मुहरें मिली है, सोने से बर्तन मिले हैं, यानी ए और डी आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सोना मिला है, चांदी मिला है, तांबा मिला है, कांस्य मिला है, पत्थर मिले हैं, सब कुछ मिला है, लेकिन बट इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 दिसंबर 2019 को ये सवाल पूछे गए, यही दिसंबर का महीना था, आज 19/8 को ये सवाल पूछे गए और आज हम कर रहे हैं। पुनर्पसार युग में यानी पैलियोलिथिक युग एज में भारत में कौन क्या पाए जाते थे, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच पाए जाते थे, इस बात का पता हमें कैसे चलता है। सही बात है भाई, अब शुतुरमुर्ग खुद उड़ करके नहीं आएगा ना आपके पास और आकर के नहीं बताएगा ना कि मैं उस समय था, कैसे बताएगा, कैसे बताएगा। तो भाई जब भी पैलियोलिथिक एज के बारे में हमें पता लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस समय के रिमेन्स को स्टडी करना पड़ेगा, हमें उस समय के अवशेष को स्टडी करना पड़ेगा, रिमेन्स को स्टडी करना पड़ेगा। और रिमेन्स तो महाराष्ट्र में जगह है पटने, देखो तीन प्लेस है, एक है पटना, पटना की बात करें तो अभी के समय में कहां पे, बिहार में, बिहार की राजधानी है, और एक है पाटन, ये कहां पे, गुजरात में, और एक तीसरा है पटने महाराष्ट्र में। तो थोड़ा इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो महाराष्ट्र के पटने जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां से ऑस्ट्रिच के अंडों के अवशेष मिले हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पैलियोलिथिक युग में, पैलियोलिथिक एज में, पैलियोलिथिक टाइम में आपके भारत में शुतुरमुर्ग आपके होते थे। सीधे सी बात है, अंडे के छिलके मिले हैं, बहुत भारी मात्रा में मिले हैं। तो भाई अंडे के छिलके मिले, अंडा कब है, जब अंडा देने वाला होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अंडा आया पहले कि मुर्गी आई पहले, अब ऐसा तो सवाल ही है कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, ऑस्ट्रिच पहले कि अंडा पहले। अभी ऑस्ट्रिच होगा तो अंडा दिया होगा, तभी तो छिलका है।
तो जितना पुराना मानव है उतना पुराना ऑस्ट्रिच है भाई। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यह सवाल आपके पूछे गए 8 दिसंबर 2019 को। पहली बात, ऐसा माना जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, मतलब कंट्रोल नहीं रहा, जंगलों का विनाश हो गया होगा। अब जंगलों का विनाश कैसे हो गया होगा, तो ये स्टेटमेंट जैसे एनसीईआरटी क्लास 6 की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले चैप्टर है उसको जब आप पढ़ेंगे उसका लास्ट पे जब आप पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली ये चारों के चारों स्टेटमेंट वहां पे लिखे गए हैं, और उन चारों स्टेटमेंट को उठा करके 2019 में एक एक लाइन बना करके क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो सवाल जो है ये तय है कि सवाल वहीं से है, आपको पहचानना है कि क्या वो सवाल आप पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। अंतिम 5 से 7 मिनट में आप सब लोगों के बीच में हूं, आप जितना ज्यादा इस सेशन को प्यार दे सकते उतना ज्यादा दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए जरूरी है और वो मेहनत वो एफर्ट मैं आपके लिए लगाता हूं, आपको समझाता हूं, आपको कंफर्टेबल फील कराता हूं, तो आप लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के सेशन को शेयर करें। अभी तक जिन बच्चों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है ज्यादा से ज्यादा अपने फोन को चेक करके लाइक करके बताएं कि आपको ये सेशन कितना अच्छा लग रहा है। एक बार सभी लोग अपने फोन को चेक करके सेशन को लाइक करके गुरु दक्षिणा दीजिए। तो ये पहला क्या बोले, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ठीक है, जंगलों का विनाश हो गया, ठीक है। ये सवाल बोल रहा है कि पूरे के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, अरे भाई ये कैसे हो सकता है, बाढ़ आती है कुछ क्षेत्र में आती है, भारत में भी बाढ़ आता है, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ आता है, इसका मतलब ये हम नहीं कह सकते कि भारत के सारे क्षेत्रों में बाढ़ आ गया होगा, यानी पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई ये गलत बात है। अब जंगल का विनाश कैसे हो गया, ये जंगल का विनाश कैसे हो गया ये भी तो समझना है। अब देखो लोग क्या करते थे, मकान बनाते थे, मकान को बनाने में ईंट का प्रयोग किया जाता था, और वो ईंट कैसा होता था, आग में पका करके तैयार किए जाते थे, और आग जलाने के लिए ईंधन की जरूरत है, और ईंधन के लिए क्या लेकर के आओगे, जंगल से लकड़ी लेकर के आओगे, तो इतना ज्यादा लकड़ी काटा गया कि पूरा का पूरा जंगल का ही नाश हो गया, संभवतः नदियां आपकी सूख गई थी ये भी सही है, तो सी गलत है। तो जहां जहां पे भी आपको सी दिखाई दे रहा है वहां वहां पे सी को सी कर दीजिए और आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और डी हो जाएगा। तो ये इंडस वैली का सवाल आपके पूछा गया, कितना प्यारा सवाल था। अब ये देखिए ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 यहां से सवाल आपके पूछे गए। क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, 8 दिसंबर 2019 को यह सवाल बोले कि कहां पे क्या शुरू हुआ। तो मैं बार बार ये बताता हूं, मैप दिखाता हूं और मैं बोलता हूं ऊपर की तरफ जो सुलेमान किरथार है वहां पे मानव पहली बार टिक करके रहना शुरू कर दिया। फिर मैं उसके नीचे इंडस और ट्रिब्यूटरी, मैंने बोला कि यहां पे सबसे पहले शहर दिखे गए। फिर मैं उसके नीचे आता हूं गंगा, वहां पे मैं बताऊं महाजनपद। फिर उसके नीचे नर्मदा जहां पे प्रथम बार मानव के स्केलेटन आपको देखने को मिलते हैं। तो जब हम नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं तो देखो एक एक करके आप चीजों को समझिए। वज्जी के बारे में बात करें प्रारंभिक गणतंत्र, यानी बी का आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं तो यहां पे प्रथम नगर दिखाई देंगे, यानी ई का क्या हो जाएगा, ई का 4 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए एक और 4 आपको कहां पे दिखाई देगा, तो एक और 4 आपको कहां पे, 1 यहां पे, 4 यहां पे। तो जब 1 और 4 यहां पे दिखाई दे दिया, ये नहीं दिखाई दे रहा है ना, छोड़ दो इसको, नहीं दिखाई दे रहा है ना भाई, एक ही आपका ये बनना है ना, जहां पे रिस्पॉन्स आपका बी दिख रहा है, जहां पे 1 भी दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको 4 भी दिखाई दे रहा है। यानी नर्मदा वैली में जब हम बात करें तो यहां पे क्या हुआ, आखेट और संग्रहण, यानी लोग हंटिंग करते थे, लोग आपके क्या करते थे, गैदर करते थे। गारो हिल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो गारो हिल्स में क्या दिखाई देता है, यहां पे आपको अर्लियर आपके एग्रीकल्चर। गंगा वैली के बारे में बात करते हैं तो यहां पे 2500 आज से लगभग 2500 साल पहले के शहर आपको दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी काल सबसे लंबी आपको दिखाई देती है, कौन सा पीरियड सबसे लंबा आपको दिखाई देता है। तो देखो 20 से 25 लाख साल पहले से शुरू होकर के 12,000 साल पहले तक की बात जब हम कर रहे हैं,
तो यानी जो पैलियोलिथिक पीरियड है 9 दिसंबर 2018 को ये पेपर में पूछा गया, 21 सितंबर 2014 को ये पेपर में पूछा गया, एक ही क्वेश्चन को दो दो बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये 9 दिसंबर 2018 को पेपर में पूछा गया, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बुलंद दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, मेहरगढ़ हम जाए तो हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आपको दिखाई देता है, और ये नियोलिथिक आपके समय का साइट है, और ये नियोलिथिक नहीं, ये इंडस वैली से भी रिलेटेड आपके साइट है जो आपको दिखाई देता है, और यहां से क्या मिला है, तो यहां से आपके एग्रीकल्चर का भी एविडेंस मिलता है, यहां से आपके पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि नियोलिथिक में एनिमल हस्बेंड्री तो था ही, नई जो चीज आपकी शुरू कर देते हैं वो क्या कर देते हैं भाई, आपके सीधे तौर पे एग्रीकल्चर शुरू कर देते हैं, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सत्य हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में आपको मिलते हैं। देखिए जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो भारत में भी देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान में भी देखने को मिलते हैं, अफगानिस्तान में भी देखने को मिलते हैं, अंतिम 3 से 4 मिनट की क्लास आपकी बची हुई है, सब लोग एक बार सेशन को जितना मैक्सिमम प्यार दे सकते दे दीजिए। अध्ययन मंत्र बुक फेयर 15 दिसंबर से 20 दिसंबर सारी टीचिंग के एग्जाम की किताब पे, चाहे प्रैक्टिस बुक हो, थ्योरी की किताब हो, सीडीपी की किताब हो, स्पेशल एजुकेशन की किताब हो, पेपर टू की किताब हो, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप कहां पे, अमेजन से ले सकते हैं, आप अध्ययन मंत्र के ऑफलाइन सेंटर पे आके ले सकते हैं, या आप अध्ययन मंत्र के टेलीग्राम में जो बुक का लिंक दिया गया है उसको ले सकते हैं, आज 19 है, कल लास्ट डेट है, तो आप कोशिश कीजिए कि देर ना करें और इस लाभ का पूरा तरीके से, इस जो आपका ये जो दिया जा रहा है अध्ययन मंत्र परिवार की तरफ से, इसका लाभ उठाएं और लेट ना करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो देखो ये जो भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में ये जो प्लेसेस आपको देखने को मिलते हैं, वर्तमान के भारत में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा गुजरात में, आप लोथल देखो, आप सुरकोटदा देखो, आप धौलावीरा देखो, ये सारे के सारे प्लेस देखिए, सब के सब आपको कहां पे मिलेगा, गुजरात में। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम पूछें कि वर्तमान के भारत में सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट कौन सा है, तो आंसर क्या बता दोगे, राखी गढ़ी बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद मूल रूप से तो 9 दिसंबर 2018 को पेपर में पूछा गया आपके, प्राकृत में नहीं बल्कि इसको संस्कृत में, और संस्कृत में कौन सा है भाई, प्री संस्कृत, बस दो मिनट में छोड़ रहा हूं, यह ध्यान रखना आप। महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथन में कौन से कथन आपके सही है, और इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग होमवर्क करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ये होमवर्क है आप सब लोगों का, इसका करेक्ट आंसर। अब यही से हम लोग अपनी कल की क्लास में अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, एक भी चैप्टर आपका छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का कंप्लीट रिवीजन हम लोगों को कर लेना है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अध्ययन मंत्र बुक फेयर को मिस ना करें, आप 50% डिस्काउंट का फायदा उठाएं। जो भी आपकी फीडबैक है कमेंट में करके बताना, आप सभी को ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच, लव यू।